संजीव, मैं इस पूरे मामले को एक बार फिर से समझना चाहूंगी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं कैश फॉर क्वेरी केस, क्योंकि आज यही मुख्य मुद्दा है, विपक्ष इसी को लेकर मत विभाजन की मांग कर रहा है। मैं समझना चाहूंगी इस केस ने किस तरह से महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। जो 500 पन्नों की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, आज जब ये पेश होगी तो क्या हंगामा कर सकता है विपक्ष, क्या मांगे उठा सकता है, ये मैं समझना चाह रही हूं आपसे। देखिए, प्रक्रिया पर पहले बात कर लेते हैं। तो प्रक्रिया यही है कि रिपोर्ट पेश होगी और आज चूंकि व्हिप जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और सभी सदस्यों को रहने के लिए कहा गया है, तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, संभव है प्रहलाद जोशी, वो एक मोशन मूव कर सकते हैं और उस मोशन को मूव करने के बाद उसमें जो एक्सपल्शन का रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश की गई है, उसे कार्यान्वित किया जा सकता है और आज ही महुआ मित्रा को बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यह है स्पीकर के पास कि वो जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिफारिश है इस समिति की, उसके आधार पर एक बड़ी जांच कमेटी का गठन कर सकते हैं, जिस कमेटी में वो बाहरी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, उन सबों की मदद ले सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिर स्पीकर करते क्या हैं। यह रिपोर्ट तो आप जानती हैं कि सदन की शुरुआत से पहले ही आ गई थी स्पीकर के पास, लेकिन एक सप्ताह टलता रहा है और आरोप महुआ मित्रा पर उस रिपोर्ट में, जो 500 पन्ने की रिपोर्ट है आप बता रही हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट है। पहला आरोप तो उनके पास, उनके ऊपर ये लगा है कि भाई आपने जो अपने लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, वो किसी और के साथ शेयर किए और उन्होंने आपको 65 क्वेश्चंस सजेस्ट किए, उन 65 क्वेश्चन में से 56 सवाल आपने यहाँ लोकसभा में किए हैं, यानी कि आप किसी का एजेंडा फर्दर कर रही थी जो कि न केवल सुचिता के खिलाफ है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के भी खिलाफ है और ऐसा कृत्य करने के लिए आप अपराधी घोषित की जाती हैं। और दूसरा उनके ऊपर आरोप ये भी लगाया गया है कि दरअसल ये केवल आपने ये 65 सवाल को ही नहीं आने दिया अपने लॉगिन के माध्यम से, बल्कि ये भी किया कि जो पूर्व के जितने भी मटेरियल थे, चाहे वो गृह मंत्रालय की तरफ से आपको भेजे गए हों, चाहे वो विभिन्न दूसरे मंत्रालयों की तरफ से भेजे गए हों, वो सब उस लॉगिन आईडी के पास, जिसके पास था, उन सब को वो मिल गया और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ ये भी उनसे प्रश्न किया गया कि एक ही दिन में एक व्यक्ति 3 जगहों पर कैसे हो सकता है, 10 बजे सुबह में लॉगिन पार्लियामेंट में होता है, फिर 10 ही बजे थोड़ी देर के बाद जो लॉगिन है वो कोलकाता से दिखाया जाता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद अमेरिका से, कैलिफोर्निया से दिखाया जाता है, तो एक ही दिन में एक व्यक्ति 3 जगहों पर कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न थे जो कि सुचिता को जाहिर है कि वो गवारा नहीं है और महुआ मित्रा कहीं ना कहीं इसमें फंसती हैं। लेकिन दूसरी बात ये कही गई है महुआ मित्रा के द्वारा डिफेंस में कि आपने तो मुझे कैश फॉर क्वेरी में पकड़ा है, यानी कि मैंने प्रश्न पूछने के एवज में पैसे लिए थे, तो आप ये बताइए हमें कि पैसे कैसे लिए थे, किसने पैसे लिए थे, कहां पर मनी ट्रेल है। महुआ मित्रा पूरे मामले को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर आपने आरोप लगाया है तो आप बताइए कि कैश मैंने कब लिया, और अपने डिफेंस में वो ये भी कहती हैं कि संसद में कोई नियमावली नहीं है कि हम किसको अपना लॉगिन आईडी दे सकते हैं, क्योंकि हर सांसद अपना लॉगिन आईडी अपने क्लर्क को देता है जो उनके बिहाफ पर काम करते हैं। पर यहां ये बात बताने वाली है पूजा कि हर बार जब भी कोई लॉगिन होता है तो उसमें संसद की तरफ से एक ओटीपी भेजी जाती है और वो ओटीपी हमेशा सांसद के फोन पे ही आता है, तो हर बार जब भी उन्होंने लॉगिन करवाया, किसी से भी करवाया, तो ओटीपी तो उन्होंने ही दिया होगा, तो ऐसे में सवाल तो उन पर बनते हैं, प्रश्न तो उन पर बनता है। पर हकीकत यह भी है कि एथिक्स कमेटी ने आज तक किसी को एक्सपेल्ड नहीं किया है। क्या एथिक्स कमेटी के पावर में यह है कि वो किसी सांसद को एक्सपेल कर दे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक इस तरह के वाकयात हुए नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये सब तो मान लीजिए तार्किक बातें हुई, ये राजनीतिक बात में तब्दील हो गई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं प्रियंका चतुर्वेदी से बात कर रहा था तो उनका ये कहना है कि दरअसल ये केवल महुआ मित्रा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो पूरे विपक्ष का है, क्योंकि महिला किस तरह से संसद पहुंचती है, राजनीति में उसकी कितनी लड़ाई होती है और कितनी मुश्किलें होती हैं, और आप एक झटके में निकाल देना चाहते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। पूजा, ठीक है।